नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल पे। एक मेंटोर के नाते, टीचर के नाते और आप सभी के बड़े भाई होने के नाते ये बात समझाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आते हैं कि सर नोट्स के रिगार्डिंग कि सर नोट्स प्लीज फ्री दे दीजिए और मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे नोट्स फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये आती कि देखो, ये बहुत समझने वाली बात है कि भाई हमने भी जो नोट्स बनवाए हैं, बहुत सारे नोट्स बनवाए हैं जिसके लिए हमने टाइपिंग करने वाले को लगाया हुआ था, टाइपिंग करवाई है, उसके लिए हमको पैसे देने पड़े हैं, हमने उसको उस व्यक्ति को जिसने टाइपिंग की है उसको हमने चार्ज दिया है तब उसने टाइपिंग की है, तो इसको बनाने में मेहनत लगी, पैसे लगे, इसीलिए सबसे मिनिमम फीस में जो हमसे हो सकती है उस मिनिमम फीस में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 50 रुपये में आपको कहीं मार्केट में कंप्लीट सेमेस्टर नोट्स नहीं मिलने वाले। तो प्रॉब्लम एक तो ये भी है भाई बात, दूसरी बात ये कि ये जो लाइन बोलते हैं ना लोग, जो स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे, मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको और कुछ जानकारी कोई मतलब नहीं, उनको पता है कि हाँ भाई जेन्युइन है, यहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा प्रोसेस पता है, वीडियो देखा हुआ है उन्होंने, वो सीधे फीस सेंड करते हैं, नाम बताते कि सर DCA सेकेंड सेम भेज दो, वहां से नोट जाता है, थैंक यू बोलते, खत्म बात, केवल इतना काम होता है और इतने में उनको नोट्स मिल जाते, वो तैयारी कर लेते हैं और कोई डाउट अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो डाउट अपना पूछ लेते हैं। मुझे समस्या केवल इतनी है, ये जो लाइन बोलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, यार ये बहुत एक डिमोटिवेशन वाली लाइन है। अगर आप अपने आप को गरीब समझ रहे हो, क्योंकि गरीब स्थिति से नहीं आपको माना जाएगा, गरीब आप अपनी सोच से हो, आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, लगभग 10,000 का तो आजकल आता ही है, इसके अलावा आप DCA या PGDCA का कोर्स करो जिसकी फीस आपकी लगभग 10,000 होगी, ठीक है, तो जब आप कोर्स करो आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप इनकम जनरेट करने के बारे में सोचो ना, इनकम कैसे जनरेट की जाए, कैसे पैसे कमाए जाए। अगर आप इस चीज को, ये लाइन बोल रहे हो अपने आप को कि यार मैं गरीब हूँ, आप किसी और को भी कह रहे हो ये लाइन, अब दोबारा मत कहना, मतलब आपने मुझसे कहा या जो लोग कहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि यार मैं गरीब हूँ आप मुझे ये फ्री दे दो या फ्री दे दो, तो ये जो सोच है ना, ये फ्री वाली सोच है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको इनकम जनरेट करने नहीं देगी, आगे चल के आपको मेहनत करने से बचाएगी। क्योंकि अगर आपको चीज़ें फ्री मिलेंगी तो आप उस चीज़ को पाने के लिए ना पैसे कमाने की मेहनत करोगे, ना आप अपने आप को बेहतर करने की मेहनत करोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें फ्री मिल रही है। ये लालच सरकार भी देती है, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहूंगा और ना मुझे उससे कोई मतलब है, लेकिन ये फ्री की आदत बहुत गलत है। इससे आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करते हो, अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, अपने आप को कमजोर समझते हो। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं और जो चीज आप लेना चाहते हो उसे हक से लेना है। क्योंकि इंसान गरीब अपनी सोच से होता है, अपनी सोच को ऊंचा करो। आज का वीडियो रैंडम बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन था आपके लिए, जो ऐसे लोगों के लिए, खासकर जो ये बोलते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, आइंदा मत बोलना, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो। आप गरीब नहीं है, आप बहुत अमीर हैं। चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।